दोस्तों मार्च महीने में मैंने एक वीडियो बनाया था, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताई थी, जहां पे बताया गया था कि फेसबुक यहां पे रिलायंस जियो के अंदर हिस्सेदारी परचेस कर सकता है, रिलायंस जियो को खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों वो चीजें चली नहीं क्योंकि कोरोना वायरस आ गया था। लेकिन अब दोस्तों बड़ी अपडेट यहां पे निकल के आई कि फेसबुक यानी मार्क जुकरबर्ग की कंपनी ने रिलायंस जियो के अंदर यहां पे ऑलमोस्ट 9.9% यानी 10% का स्टेक यानी 43,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों ये डील यहां पे डन हो चुकी, क्या रिलायंस जियो बिक चुका है वो भारतीय कंपनी नहीं रहेगा, क्या दोस्तों होगा इसके इंप्लेक्स और दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स यहां पे टेलीकॉम सेक्टर पे पड़ने वाले, एयरटेल आइडिया वोडाफोन की दोस्तों क्या हालत होगी, और मुकेश अंबानी जी ने क्या दोस्तों अपने संबोधन में यहां पे देश की जनता को कहा है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले जब भी कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती है आपका भाई टेक्नो नील आपको लेके आता है। ये चीज मैं एक महीने पहले बता चुका हूं कि ऐसी बातें बिहाइंड द सीन्स चल रही थी कि जियो में यहां पे हिस्सेदारी परचेस करने वाला फेसबुक, कुछ भी लोगों को पता नहीं था, लेकिन वो चीज पहले नहीं हुई। लेकिन अब दोस्तों यहां पे डन हो चुकी है। 9.9% दोस्तों यहां पे स्टेक फेसबुक ने यहां पे रिलायंस जियो के अंदर परचेस कर लिया। रिलायंस जियो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री की एक छोटी सी एंटिटी है जहां पे ऑलमोस्ट 10% का स्टेक यहां पे परचेस किया, ऑलमोस्ट 43,500 करोड़ का दोस्तों ये डील है। अब यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, जियो फेसबुक डील टू सेंड शॉक वेव्स थ्रू इंडिया टेलीकॉम इंडस्ट्री। दोस्तों एनालिटिक्स जो है दोस्तों यहां पे वो बता रहे हैं कि ये जो डील हुई है इससे एक बहुत बड़ी शॉक वेव्स निकलने वाली, जिससे दूसरी जो कंपनी उन पे इफेक्ट यहां पे देखने को मिलेगा, पॉजिटिव दोस्तों देखने को मिलेगा। देखें यहां पे दोस्तों फेसबुक 9.9% टेक इन रिलायंस जियो वुड डीलेवरेजिंग एंड द बैलेंस शीट्स कुड इंप्रूव द बैलेंस शीट्स। दोस्तों इसका मतलब दोनों के बीच में जो डील हुई है वो इन दोनों को ही दोस्तों यहां पे आजादी देगी। दूसरी चीज, जो बैलेंस शीट है रिलायंस जियो की वो थोड़ी और बनेगी यहां पे और पॉजिटिव इंपैक्ट बैलेंस शीट पे देखने को मिलेगा। जो कर्ज यहां पे था क्योंकि जियो ने जब स्टार्टिंग किया था तो डेफिनेटली बहुत सस्ता और बहुत करोड़ों का इन्वेस्टमेंट यहां पे किया था फाइबर में, तो वो पैसा निकालना था। और वैसे भी मुकेश अंबानी जी का सपना था कि मैं इसको यहां पे बिल्कुल जीरो डेप्थ वाली कंपनी बनाना चाहता हूं, तो दोस्तों उसके तरफ ये बड़ा कदम हो सकता है जहां पे ये जो पार्टनरशिप इनके बीच में, इससे दोस्तों इनकी बैलेंस शीट यहां पे सुधरती हुई दिख रही है। पता जा रहा है एंड द डेवलपमेंट इज लाइकली टू इंपैक्ट भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया टू रिसर्च। दोस्तों रिसर्च फर्म बोल रही है कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पे यहां पे इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स दोस्तों एक रिसर्च फॉर्म है दोस्तों, यूएस बेस्ड बैंस्टीन ने यहां पे क्या बताया उसके बारे में बात करते हैं। वी एक्सेप्ट द अनाउंसमेंट विल शॉक वेव्स थ्रू द इंडियन टेलीको इंडस्ट्री। दोस्तों इससे एक शॉक वेव्स पैदा होगी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। अप टू नाउ भारती एंड वोडाफोन आइडिया हैव बीन एबल टू प्रमोट देयर ओपनिंग्स टू कीज डिफरेंशिएटर्स वर्सेस जियो मोर क्लोज अप्रोच टू डिजिटल सर्विस। दोस्तों अब यहां पे जियो और भी ज्यादा डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने वाला फेसबुक है, उसके साथ साथ व्हाट्सएप उसी की कंपनी है। अब यहां पे बड़ी रीच यहां पे बढ़ जाएगी, तो दोस्तों दोनों कंपनी को डेफिनेटली यहां पे कुछ तो पंगा होगा ही, फटका लगेगा। द रिसर्च फर्म बिलीव्स दैट द डेवलपमेंट वुड लाइकली टू शेक अप द ऑलरेडी स्ट्रीम्स कंट्रीज टेलीकॉम सेक्टर। दोस्तों ऑलरेडी जो यहां पे स्ट्रेस बढ़ा हुआ है यहां पे वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल पे, जो एजीआर का दबाव उसके हिसाब से इनकी हालत खराब है, इस पे और यहां पे एक नया झटका इनको लगेगा जो डील यहां पे दोनों की कंपनी के बीच में हुई, जियो और फेसबुक के बीच में। टेलीकॉम सेक्टर हैज ऑलरेडी डेप्थ नियरली 7 लाख करोड़, पूरे टेलीकॉम सेक्टर में 7 लाख करोड़ का दोस्तों ऑलमोस्ट कर्जा है। बात करें दोनों ही कंपनी, तो एयरटेल वोडाफोन की बात को, तो 90,000 करोड़ समथिंग दोस्तों इनका यहां पे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर का पैसा भी इनको देना, तो ऑलरेडी इनकी हालत पहले से खराब है और ये डील होने पे इनकी हालत और खराब हो सकती है। ब्रेंस्टन एक्सपेक्ट दैट जियो वुड ट्राई टू यूज द व्हाट्सएप रिलेशनशिप टू ट्राई टू कन्वर्ट भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडियाज कस्टमर्स टू यूज देयर नेटवर्क्स। जियो दोस्तों यहां पे ब्रेंस्टन की बात की जा रही है, यूएस बेस्ड रिसर्च फर्म है, वो बता रही है कि जियो जो सो अब ये जो पार्टनरशिप है फेसबुक के साथ, इसमें व्हाट्सएप को यूज करते हुए जो कस्टमर है यहां पे एयरटेल के या वोडाफोन आइडिया के, उनको यहां पे अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि व्हाट्सएप बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, ऑलमोस्ट 400 मिलियन यूजर्स भारत के अंदर दोस्तों फिलहाल व्हाट्सएप यहां पे यूज करें, मतलब ऑलमोस्ट 40 करोड़ से ज्यादा इतने यूजर्स दोस्तों यहां पे डायरेक्टली जियो यहां पे अप्रोच करेगा उनको और अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करेगा। ये सबसे बड़ा दोस्तों खतरा यहां पे लग रहा है, ब्रेंस्टन बता रहा है यहां पे, जिससे यहां पे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के कस्टमर छूट के जियो के पास जा सकते हैं। द फेसबुक इन्वेस्टमेंट रिमूव्स बैलेंस शीट रिस्क एंड एडिट्स कंसीडरेबल ऑप्शनल एंड रिटेल। दोस्तों ये जो फेसबुक का दोस्तों इन्वेस्टमेंट हुआ, ये बैलेंस शीट पे अच्छा प्रभाव यहां पे डालेगा जियो की, और दोस्तों यहां पे ऑपरेशनल और रिटेल के जो डिजिटल इंटरेस्ट और बिजनेस सेगमेंट्स हैं वो दोस्तों थोड़े यहां पे अच्छे बनेंगे, क्योंकि रिलायंस जो है दोस्तों जियो जो है दो अलग अलग सेगमेंट पे और भी काम करता है, जैसे कि डिजिटल वे में काम करता है रिलायंस डिजिटल के स्टोर्स, उसके साथ साथ दोस्तों यहां पे अभी थोड़े दिनों में यहां पे मार्ट आने वाला है जियो मार्ट, जहां पे ग्रोसरी वगैरह सब कुछ मिलने वाली है, उन सारी चीजों में ये अच्छे तरह से यूज कर सकेगा। दोस्तों बता दें इंटरनेट जॉइंट्स फेसबुक इन्वेस्टिंग 43,000
1574 करोड़, 43574 करोड़ की दोस्तों ये डील हुई, जितना इन्वेस्टमेंट यहां पे जियो में करा है। जियो प्लेटफॉर्म पे क्या है, जो यूनिट है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री की, जहां पे 9.99% स्टेक परचेस किया, 10% का स्टेक यहां पे परचेस कर लिया दोस्तों। लेकिन बता दूं दोस्तों यहां पे क्या किस तरह से कैलकुलेशन यहां पे बैठने वाली, द टू कंपनीज सेड दैट दे वर्क टुगेदर, दोनों ही कंपनी दोस्तों फेसबुक और जियो बोल रही है कि दे वर्क टुगेदर ऑन सम मेजर इनिशिएटिव दैट वुड ओपन एनी कॉमर्स अपॉर्चुनिटी टू पीपल अक्रॉस इंडिया, मतलब जितने भी दोस्तों करोड़ों इंडिया के पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे हम फैसिलिटेट करेंगे, अच्छी सर्विस देंगे। फेसबुक इन्वेस्टमेंट विल एक्सेलरेट जियो डिजिटल मोनेटाइजेशन ड्राइव, जियो की दोस्तों डिजिटल बनाने की जो यहाँ पे मुहिम चल रही है उसको दोस्तों फेसबुक यहाँ पे थोड़ा और तेज करेगा। एंड द पार्टनरशिप विल लेवरेज व्हाट्सएप फॉर न्यू कॉमर्स इनिशिएटिव, दोस्तों बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप का यूज करते हुए ज्यादा यहाँ पे बिजनेस लेके आ सकेगा जियो। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही है, इसके साथ मुकेश अंबानी जी का भी दोस्तों एक स्टेटमेंट यहां पे निकल के आपने जियो की एप्लीकेशन में, जियो की वीडियो तो आपने देख ली होंगे अगर आप जियो यूजर हैं। जियो फेसबुक पार्टनरशिप विल एक्सेलरेट इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं दोस्तों, ये जियो और फेसबुक की जो पार्टनरशिप है उसको ये एक्सेलरेट करेगी। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस जियो सेड दैट द पार्टनरशिप बिटवीन फेसबुक एंड जियो प्लेटफॉर्म्स एज एक्ट अ ग्रेट कैटलिस्ट, यह दोस्तों बेस्ट दोस्तों प्लेटफॉर्म होगा, ये कैटलिस्ट की बात की जा रही है जो यहाँ पे लोगों को यहाँ पे अच्छी खासी चीजों को कैटर करेगी। इंडिया इंडिया द वर्ल्ड्स लीडिंग डिजिटल सोसाइटी, इंडिया दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल सोसाइटी है उसको बनने में मदद करेगी। द कंबाइंड पावर ऑफ जियोस वर्ल्ड क्लास डिजिटल कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म एज फेसबुक इनिशिएट इंटीमेट रिलेशनशिप विद द पीपल इंडिया पीपल, दोस्तों यहाँ पे जो इंडिया का जियो का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लस फेसबुक का जो व्हाट्सएप का दोस्तों लोगों से कनेक्ट है 400 मिलियन लोगों से वो यहाँ पे काम करेगा। वी ऑफर इनोवेटिव न्यू सॉल्यूशंस टू ईच वन ऑफ यू, दोस्तों ये बता रहे जा रहे हैं कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे देने वाले आने वाले टाइम में। अंबानी दोस्तों जो बता रहे हैं यहाँ पे जियो मार्ट के बारे में बताया, जियोस डिजिटल न्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड व्हाट्सएप विल एम्पावर नियरली 3 करोड़ स्मॉल इंडियन किराना शॉप्स डिजिटली ट्रांजैक्ट्स एवरी कस्टमर्स इन देयर नेबरहुड्स। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा जियो मार्ट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो फिलहाल अभी मुंबई के ही कुछ लोकेशन में काम करता है, लेकिन जियो मार्ट ग्रोसरी में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पे 3 करोड़ से ज्यादा दोस्तों स्मॉल छोटी किराना दुकान सबको यहाँ पे अटैच किया जाएगा और व्हाट्सएप के थ्रू इनको कनेक्ट किया जाएगा, बिजनेस दोस्तों बहुत स्पीड से ग्रो किया जाएगा आने वाले टाइम में। 3 करोड़ से ज्यादा दोस्तों किराना स्टोर्स को छोटे स्मॉल्स को कनेक्ट किया जाएगा जो आपके पास में ही होंगे और आपको सर्विस देंगे, इंस्टेंट सर्विस मिलेगी, रिटर्न्स फ्री होंगे दोस्तों बहुत ही, मतलब मिनिमम आपको ऑर्डर की भी कोई जरूरत नहीं होगी, मतलब ये बहुत बड़े लेवल पे जियो जो का काम करेगा, ये डील जो होगी दोस्तों बड़े लेवल पे इसको काम करेगी। दिस मींस ऑल ऑफ यू एन ऑर्डर्ड गेट द फास्टर डिलीवरी डे टू डे आइटम्स, दोस्तों आपको फास्ट डिलीवरी मिलेगी, सेम डे डिलीवरी डे टू डे आइटम्स फ्रॉम नियर बाय लोकल शॉप्स, पास की शॉप से मिल जाएगी। एट द सेम टाइम स्मॉल किराना स्कैन थ्रू द बिजनेस एंड क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, दोस्तों बहुत सारी चीजें यहां पे मुकेश अंबानी जी ने बोली है। तो आने वाला टाइम दोस्तों बहुत चीजें आगे होने वाली है, लेकिन फिलहाल दोस्तों जियो के अंदर फेसबुक ने यहां पे ऑलमोस्ट 9.9% यानी 10% का स्टेक 43,574 करोड़ के अंदर परचेस किया है। ये पार्टनरशिप दोस्तों दोनों के लिए अच्छी है, जियो की जो बैलेंस शीट थी वो अच्छी होती हेल्दी दिखेगी और जियो व्हाट्सएप का यूज करते हुए अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएगा और टेक्नोलॉजी को और आगे तक लेके जाएगा, जियो मार्ट को करोड़ों लोगों तक लेके जाएगा फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू। फ्रेंड्स मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो पार्टनरशिप है ये देश के हित में और जो जियो है उसके हित में, जियो एक अच्छा कदम यहां पे उठा रहा है, प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। ये वीडियो को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक थम्स अप तो दे देना, आपके भाई का चैनल है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा उसे सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही दिखेगा एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसको नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।